बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू इबिस बाय एमटीटी की यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमेज़न अकाउंट डीएक्टिवेशन सेक्शन 3। तो आज हम बात करेंगे कि अमेज़न का अकाउंट जब आपका डीएक्टिव हो जाता है सेक्शन 3 में, जब आप न्यू बनाते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है आपने। सबसे पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपना एड्रेस चेक करना है कि आया आपके अमेज़न सेलर अकाउंट में वो एड्रेस जो मेंशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में सारा एज इट इज़ सेम मेंशन है या नहीं है। अगर आपका अमेज़न अकाउंट में एड्रेस सेम है और डॉक्यूमेंट्स में भी सेम है, देन आप जो है ना रीएक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपके सेलर अकाउंट में इस तरह नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें लिखा होगा व्यू अपील। जब आप व्यू अपील क्लिक करेंगे तो वहाँ आएगा कि सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, या सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जब टैप क्लिक करेंगे देन एक प्लान ऑफ एक्शन का बॉक्स आएगा, साथ में आपका डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आएगी। अगर उन्होंने आपसे डिमांड किया कि बिजनेस लाइसेंस और बैंक वो यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करें, तो आपने सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखना, आपने ये कहना है प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल। इतना लिखने के बाद आपने अपना यूटिलिटी बिल अटैच करना है अपना एड्रेस वेरीफाई करने के बाद, और उसको सबमिट कर देना है, तो आपका अकाउंट विद इन 48 to 24 hours एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये अकाउंट एक्टिवेट हो गया तो आपको दोबारा सस्पेंशन नहीं आएगी। अब लेट्स सपोज आपको वो कहता है बिल देने के बाद और बिल वापस आ जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने अपना अकाउंट क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक ये करना है कि आपने उसमें जो रेजिडेंट एड्रेस दिया है वो उसको चेंज करना है, और रेजिडेंट एड्रेस चेंज करने के बाद दोबारा से सेम बिल अप्लाई करना है तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। और कभी कभी रीएक्टिवेट नहीं होता, बिल सबमिशन के बाद आपसे वो वीडियो कॉल वेरीफिकेशन मांग लेता है, तो आपने इसके लिए भी रेडी रहना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज क्लियर करवा के देन उसके बाद अपने साथ पास रखें और वो सारी शो ऑफ करनी है उनको जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अब जो नए अकाउंट बना रहे हैं उनके लिए ये है कि अब अकाउंट डीएक्टिव होता है आपको बिल, बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड लाजमी रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल ये दो चीज़ें लाजमी हैं, क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट साइन अप होगा देन आपका अकाउंट डीएक्टिव होगा और आपको बिल देना पड़ेगा। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपके पास बिल नहीं है, आप उसमें बिल जो दे सकते हैं वो कौन सी होगी, उसमें यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, गैस बिल दे सकते हैं, अपने इंटरनेट बिल, PTCL बिल, कोई भी बिल जो आपके पास है, 10-15 बिल्स लिखे होते हैं उन्होंने, वो कुछ भी आप उसमें दे सकते हैं और वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई क्यूरीज है, कोई इश्यूज हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।